अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइला राशिद और मैं बना रही हूँ स्मोकी कीमा या दम का कीमा। तो उसके लिए जो है मैंने ये कीमे को धो के रखा हुआ है। बहुत इजी है, बहुत आराम से और झटपट बन जाता है। बस सिर्फ आपको कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करने होंगे, कुछ नहीं, थोड़े से हैं ज़्यादा। खैर, ये कीमा आपने इसमें ऐड किया, अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिसके अंदर ये फ्राई अनियन है, क्वांटिटी में लिख दूँगी। और अब इसके अंदर मैं ये कच्ची प्याज है और धनिया और पुदीना फ्रेश वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके बाद इसके अंदर ये रेड चिली फ्लेक्स हैं और रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है और चाट मसाला ज़ीरा पाउडर, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल हैं। ये ड्राई रोज़ है और ये अनारदाना है। है तो आप डालें, नहीं है तो आप स्किप कर दें। ये पपीता है और ये है कचरी पाउडर, इसके अंदर डालेंगे मैं। और थोड़ा एक टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वेनेगर डालूंगी। इसमें मैं दही ऐड करूंगी और ये कुछ मेरे पास कुटे हुए मसाले हैं, जिसके अंदर हरी इलायची है, लौंग है, जायफल जावित्री है और ब्लैक पेपर है। इस सबको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो इस सब को आपने कीमे में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके, मैरिनेट करके इसको आपने रख देना है। और अच्छा, ऑयल भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी आपने ये धनिया पुदीना डाला है, बाद में भी आप डालेंगे। नमक डाल के आप रख दें, जितनी देर ज़्यादा इसको रखेंगे उतनी ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर आपने बनाना है सपोज़ रात को तो सुबह कर लें, अगर आपने बनाना है कल तो रात को अगर करके रख दें तो आपका काम भी जो है आसान हो जाएगा। तो मैं तो रात ही को करके रख देती हूँ। बस फिर उसके बाद आपने सिर्फ चूल्हे पे इसको धीमी आग पे पकाना है और लास्ट में आपने इसको कोयले से स्मोक देना है। तो ये बहुत ही झटपट बनने वाली दम का कीमा या स्मोकी कीमा। ये मैंने सब मसाले इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब लहसुन अदरक पेस्ट है, एक टेबल स्पून आप इसके अंदर डालें या जितना भी आपका कीमा है उस हिसाब से आप डालें। और नमक इसके अंदर ऐड करूँगी और पपीता भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्रीफर्स पपीता ना हो तो आप मीट टेंडराइजर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप तेल ऐड करें या घी ऐड करें। और बस आपने इसको दम पे बहुत धीमी आंच पे बस आपने इसको पकाना है और लास्ट में जो है वो इसको कोयले का स्मोक देना है। और आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आपके पास जायफल जावित्री नहीं है या दो तीन मसाले ऐसे जो कि नहीं हैं, तो आप तो अगर आपके पास कोई तंदूरी मसाला रखा हुआ है तो आप उसमें एक टीस्पून ऐड कर सकती हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेवर वैसे भी आ जाएगा लेकिन उस तरह और भी मज़े का लगेगा। तो बस मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसे मैं रख दूँगी कुछ घंटों के लिए। बस इसकी ख़ास बात यह है कि सब कुछ इसके अंदर डल जाता है, उसके बाद फिर कोई इतना ख़ास काम रहता नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा ऑयल ऊपर आ गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करें, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला
स्मोकी दम का चूना लगेगा। देखिए कैसे छप्पर तैयार हो गया है, ना आसान। चलें आप भी जाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी दुआओं का हिस्सा बना के रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस मैं इसको स्मोक करूँगी, ये इसके अंदर मैं कोयला जला के उसमें रखूँगी और ऊपर से ऑयल डालूँगी, तो इंशाल्लाह फिर आऊँगी इसी मेरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।